बोल रहे हैं 900 900 से ऊपर चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पराली का जो प्रॉब्लम है ये हर साल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इसी टाइम पे क्यों होता है। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। बोल रहे हैं 900 900 से ऊपर चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पराली का जो प्रॉब्लम है ये हर साल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इसी टाइम पे क्यों होता है। और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है, मैं जोधपुर में था 15 दिन, वहाँ जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। और 500 किलोमीटर की रेंज भी नहीं है, हरियाणा और पंजाब तो कोई एक ही अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली मुझे नहीं लगता कि खाली पराली का ही कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रहना मतलब ये है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो अपनी लाइफ जो है आप 5-7 साल डेफिनेटली कम कर रहे हो कंपेयर टू अदर प्लेस जहाँ पर ये सब स्थिति नहीं है। तो स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए मुझे लगता है।